ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमें बाप समान महान बनना है। ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह स्वयं को तपस्या में तपाकर खरा सोना बना दिया, संपूर्ण बना दिया, हमें भी त्याग तपस्या के बल से, वैराग्य के बल से स्वयं को वैसा ही बना देना है। अपना शरीर भी शिव बाबा को दे दिया, ये भान ही मिटा दिया कि ये मेरा शरीर है। वैसे ही हम भी अपने देह को ऐसा ही मान लें कि ये बाबा ने हमें सेवा अर्थ दिया है, बाकी इससे हमारा और कुछ लेना देना नहीं, ये बाबा की अमानत है। सेवा पूर्ण होगी और हम ये बाबा को वापिस दे देंगे, तो इस तरह हमारा देह भान मिटता जाएगा, देह का आकर्षण समाप्त होता जाएगा और हम ऐसी स्थिति में बहुत सहज स्थित होते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा सचमुच बाप समान बने, शिव बाबा जैसे बने, नेक्स्ट टू गॉड हो गए। सोच लें उन्होंने क्या क्या किया होगा। संपूर्ण प्योरिटी अपना ली, संपूर्ण निरहंकारी बन गए, किसी के लिए भी मन में अशुभ भावना नहीं रही, शुभ भावनाओं का दान सबको मिलता रहा। कई बच्चे ऐसे भी आते थे जो बाबा का भी सामना करते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें भी बहुत प्यार दिया और बुजुर्ग होते हुए भी अंत तक बहुत बड़ी सेवा निरंतर करते रहे। सेवा में कभी भी मैंपन आने नहीं दिया। बाबा का अपने पर कितना कंट्रोल था, ये इस बात से पता चलता है कि आखिरी दिन 18 जनवरी सवेरे जब बाबा को छाती में बहुत पेन था, तो भाई जो भी थे वहाँ उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर को बुला लें। देखिए बाबा ने कितने नशे से जवाब दिया था, बच्चे बाप तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, डॉक्टर आकर क्या करेगा। तो बाबा को एक देहभान से न्यारे होने की बहुत ग्रेट फीलिंग थी। पेन तो बाबा को जैसे सता ही नहीं रहा था और वो संसार की पहला नंबर की आत्मा है, उन्हें ये आभास था आज इस धरा पर साकार रूप में मेरा ये आखिरी दिन है। वो इस देहभान से पूरी तरह डिटैच हो गए थे। मन खुशियों से इतना भरा था कि अपने भविष्य को याद करके अकेले में डांस करते रहते थे। वाह, मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर अब जाकर छोटा श्री कृष्ण बनूंगा, गद्दी पर बैठूंगा। बाबा ने उन्हें कितने जन्मों के राजभाग का उन्हें साक्षात्कार करा दिया था कि अनेक जन्म तुम्हारे सिर पर ताज आए हैं, तुमने अनेक जन्म राजभाग्य का सुख भोगा है, तो अपने भाग्य की खुशी भी बाबा को निरंतर थी। हम भी उसी तरह अपने भाग्य की खुशी को कायम रखें। यदि बाबा का भाग्य बहुत महान था, तो उसके बच्चों का भाग्य भी तो बहुत महान है। हम भी तो इस सृष्टि के हीरो एक्टर हैं, हम मास्टर क्रिएटर भी हैं। तो ये नहीं भूलना है कि हम महान से महान देव पद प्राप्त करने वाले हैं। हमें कितनी प्राप्तियां होंगी सतयुग में, उसकी तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा देह ही कितना कांतिवान, कितना तेजस्वी, कितना चमकीला होगा, जिसमें रोग दुख शोक का तो नाम ही नहीं होगा। तो बाबा हमें कितना बड़ा भाग्य देकर जाते हैं। आओ बाबा के हम सारा दिन गुणगान करते हुए उन्हें थैंक्स देते रहें। हे बाबा, आपने इस समय आकर हमें क्या क्या दिया और भविष्य में हमें क्या देने जा रहे हो, इतना योग्य बना देते हो कि अपना स्वर्ग हमारे हाथों में सौंप कर निश्चिंत होकर घर में जाकर विश्राम करते हो। तो आज सारा दिन बाबा को थैंक्स देते हुए
उसका गुणगान करते हुए हम व्यतीत करेंगे और फॉलो फादर करने का संकल्प रखेंगे। विशेष रूप से जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने बैठा है और जिस तरह वे तपस्या में मग्न हैं, बुद्धि निरंतर शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर है, वैसे ही मुझे भी तपस्या में मग्न रहना है। ओम शांति।